एक्चुअली बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। क्या कन्फ्यूज़न होती है, हम लोग वन बाय वन देखेंगे और शॉर्ट आउट करेंगे। हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। सपोज करो तीन सेट हैं, ए बी और सी। तो फिर जो इनका कंपोजिशन होता है, अगर ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी एस से बिलोंग करता है, तो जब उनका ट्रांजिटिव होगा तो ए सी आता है। तो ए सी जो होगा वो आर ओ एस कहा जाता है, ठीक है। रिलेशन आर ओ एस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ आर ए एंड एस। इट समटाइम्स डिनोटेड बाय आर एस। और ये जो आर ओ एस होता है, इसे आर ओ एस भी पढ़ते हैं, आर सर्कल एस भी पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो है आर ओ एस का। आर ओ एस कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। जब हम पहला लेते हैं आर ओ एस का, आर ओ एस बोल लो या आर सर्कल एस बात कर लो, एक ही है। तो जब हमने ई कॉमा बी आर का लिया, अब सेकंड आप देखिए बी से कौन सा स्टार्ट होता है। बी कॉमा ई स्टार्ट हुआ, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए कॉमा ई। तो आपका आ जाएगा ए कॉमा ई, ठीक है। अब बी से क्या दूसरा कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, एक हमारा कंप्लीट हो गया। अगला आते हैं सी कॉमा डी से। सेकंड इसका क्या है, डी। डी से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, डी से एक स्टार्ट हो रहा है। सी कॉमा डी, डी कॉमा बी, डी से डी कैंसिल हो गया, सी कॉमा बी बचा, सी कॉमा बी, ठीक है। अब सी कॉमा बी बचा है, अब आपका सी डी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बी कॉमा बी, बी से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, बी से ए के स्टार्ट हो रहा है, बी कॉमा ई, बी से बी कैंसिल हो गया, बी कॉमा ई आपका आंसर हो जाएगा, बी कॉमा ई, ठीक है। आर ओ एस हो गया। अब सेकंड हम निकालते हैं एस ओ आर। एस ओ आर जैसा कि नाम ही है एस ओ आर, तो फिर ये एस से आर की तरफ चलेगा, डी कॉमा बी, बी से कौन से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, बी से बी कैंसिल हो गया, डी कॉमा बी आपका हो गया। बी से कोई और स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है, बी कॉमा ई, ई से कोई स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है, सी कॉमा ए, ए से कौन सा स्टार्ट है, ए कॉमा बी स्टार्ट है, ए से कैंसिल, सी कॉमा बी हो गया। ए कॉमा सी, सी से कौन सा स्टार्ट है, ये सी से कैंसिल, ए कॉमा डी हो गया, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आया, नोट आर सर्किल एस इज नॉट इक्वल टू एस सर्किल आर, ठीक है, ये नोट निकल के आया। तीसरा करते हैं, तीसरा क्या दे रखा है, आर ओ एस ओ आर, आर ओ एस ओ आर, आर ओ एस दे निकाल रखा है, और इसका आर के रिस्पेक्ट में आप कंपोजिशन निकाल दोगे। ए कॉमा ई दे रखा है, ठीक है, पहले आर ओ एस है ना, ए कॉमा ई दे रखा है, ई से कोई स्टार्ट नहीं है, उसको छोड़ दो। सी कॉमा बी दे रखा है, बी से कौन सा स्टार्ट है, बी कॉमा बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी कॉमा बी आ जाएगा, सी कॉमा बी। इसके बाद आर ओ एस में बी कॉमा ई, इससे कोई स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है, तो फिर आर ओ एस, आर ओ एस ओ आर आपका बस यही आएगा, ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्या है, आर ओ एस ओ आर, आर का एस ओ आर के रिस्पेक्ट में निकालोगे। ए कॉमा बी स्टार्ट है, एस ओ आर में बी कौन सा स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है। सी कॉमा डी आर का है, डी से कौन सा स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, और सेकंड है इसका बी, तो ये सी कॉमा बी हो जाएगा, सी कॉमा बी। अब आर पहला है ना, तो बी कॉमा बी स्टार्ट है, एस ओ आर का बी किससे है, कोई नहीं है, तो फिर इसका भी सिर्फ यही आएगा। तो इससे क्या निकल के आता है, नोट ये बच्चों अगर आप देखो तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी फॉलो करता है। इसी तरीके से आप आर ओ आर, एस ओ एस और आर ओ आर ओ आर का निकल आता है। याद रखना, इसको आप आर की पावर थ्री भी बोलते हो। और बच्चों आर ओ एस को लिखा हो या फिर आर एस लिखा हो, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। ये तो बात थी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखो तो इसमें दो फंक्शन दे रखे होते हैं, बहुत सिंपल है। एफ ए टेन ए टू बी फंक्शन दे रखा है, एक बी टू सी फंक्शन दे रखा है। देन द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी इज़ द फंक्शन जी ओ एफ, ठीक है।
ठीक है बच्चों, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती कि सर कंपोजिशन ऑफ टेबल जी ओ एफ होता है ये क्या होता है, इसके बारे में मैं सबसे लास्ट में अपना कमेंट दूंगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसको बच्चों जी ओ एफ से डिनोट करते हैं। ये लिखा है अगर कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी होगा तो ये जी ओ एफ से डिनोट हो किया जाएगा। अगर एफ से जी के लिए फंक्शन है तो ये क्या होगा जी ओ एफ, अगर जी से एफ के लिए है तो क्या होगा एफ ओ जी। जी ओ एफ एक्स है तो इसको जी अंदर एफ ऑफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, वही बात है जी सर्किट एफ या जी ऑफ एफ ऑफ बोल सकते हो। अब बच्चों इन्होंने देखो लिखा हुआ है ये एक्स है, ये एफ एक्स है, ये जी ओ एफ एक्स है, तीन फंक्शन है एक्स से वाई और वाई से जेड, ठीक है। अगर ये एक्स से जेड के लिए जा रहा है तो ये जी ओ एफ है, अगर ये जेड से एफ के लिए आ रहा है तो ये एफ ओ जी है, ठीक है। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन मैंने ये लिया है, पहला पहले हम लोग निकालते हैं जी ओ एफ, एफ एक्स दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी एक्स आपका क्या दे रखा है थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। हमें निकालना है जी ओ एफ, तो एफ एक्स आपका दे रखा है, जी ओ एफ को अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे जी ओ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसका डिनोट करने का तरीका होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर आप इसे लिखोगे तो लिखोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो जी आपका दे रखा है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बच्चों ये जी एक्स की फॉर्म में हो गया, जी एक्स, जी एक्स क्या दे रखा है थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स की जगह ये पूरा है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन क्या होगा माइनस टू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। सेकंड अगर बात करो तो आपका दे रखा है एफ ओ जी, बात वही आती है एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या होगा एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा एफ जी एक्स क्या दे रखा है थ्री एक्स प्लस वन दे रखा है। अब एफ एक्स क्या दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन, इतना हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, इतना आएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो है एफ ओ एफ, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, बात वही आती है, बस आप ये शुरू की दो लाइन लिखना सीख जाओ फिर आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर से वही चीज़ आप उसमें लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वन होगी, दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जी ओ जी, तो ये आपका आएगा जी ओ जी ऑफ एक्स इजक्ल टू जी, जी ऑफ एक्स इजक्ल टू जी थ्री एक्स प्लस वन, ये थ्री थ्री एक्स प्लस वन प्लस वन क्या होगा नाइन एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो अब बच्चों बाद में सबसे लास्ट का एक्सपर्ट कमेंट, एक्सपर्ट कमेंट ये है कि देखो बहुत सारी बुक हैं, एक लिप्स्यूज की बुक है, ठीक है, और भी एक कोलमैन की बुक है, इन सारी बुक्स में क्या दिया है आपका जो देखो जो कंफ्यूजन जितनी भी है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के लिए होती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए नहीं होती है। कंपोजिशन ऑफ अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, फंक्शन में अगर एफ से जी के लिए चला है तो इसे जी ओ एफ ही पढ़ोगे, ठीक है। बात आती है रिलेशन की, रिलेशन में अगर आर से एस के लिए चला है तो देखो जो कोलमैन है जो लिप्स्यूज है सब में दे रखा है आर से अगर एस के लिए चला है तो इसे आर ओ एस ही पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बुक्स हैं जैसे जे पी चौहान है, ठीक है, और कई बुक्स हैं लोकल राइटर की, ठीक है, ये आर से एस के लिए जाता है तो इसे एस ओ आर रीड करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी है
रिलेशन अगर आर से एस के लिए जाता है तो उसे आप आर ओ एस कंसिडर करोगे, फंक्शन एफ से जी के लिए जाता है तो जी ओ एफ कंसिडर करोगे। ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एग्जाम में आपको यही करना है। थैंक यू वेरी मच।